गाइस एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी मैं देख रही हूँ बटन वाले फोन में कार्टून। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मतलब मैं नहाने जा रही हूँ और नहाने और दीयू भी नहाएगी और मुझे करनी है कुछ वीडियो शूट तो उसी के लिए तो मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। मम्मी कर रही है यहाँ पर चिप्स बना रही है मम्मी, देखो आप लोग। तो ऐसे ही यहाँ पर अंधेरा आ गया और ये छोटी वाली बहन है और सब दिशा अंदर है। और देखिए मैंने कल स्टीकर बनाया था, फिर मैंने क्या करा, कड़ा है ना जो मैं कड़े पहनी हूँ इस वाले हाथ में आपको दिखाती हूँ, ये वाले जो दो कड़े हैं ना एक इसमें पहनी थी इस वाले में, तो वो मेरा ऐसे हो गया ना नीचे की तरफ आ गया तो वो गिर गया। अच्छा मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है कि मैं ना मेरा बहुत मन है कि मैं अपने हाथ पर टैटू बनवाऊँ, आप लोगों को बताऊँ बहुत मन है मेरा। तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना तो फिर मन कराता है अंदर से, तो मेरा भी बहुत मन है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरे कौन से हैंड पर टैटू अच्छा लगेगा, राइट पर या लेफ्ट पर। मेरा राइट पर है क्योंकि राइट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो राइट पर ज़्यादा दिखेगा, तो राइट वाले पर मेरा मन है कि मैं टैटू बनवाऊँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं राइट पर बनवाऊँ या लेफ्ट पर बनवाऊँ। तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि मैं कौन से वाले हाथ पर टैटू बनवाऊँ। और जिन लोगों ने टैटू बनवाया है तो उसके टैटू बनवाने के बाद मतलब क्या क्या करना पड़ता है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और कब तक रखना पड़ता है। एक्चुअली मैं क्या है, मैंने दिया कि छुट्टी चल रही है तो अभी स्कूल जाना नहीं है, तो स्कूल जाना नहीं है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब सेफ्टी रख सकते हैं, जो भी मतलब वो बोलेंगे दवा वगैरह जो देंगे उससे हम बच सकते हैं। बट अगर बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो फिर हमें काम कंटिन्यू करना है, अपने हाथ की केयर नहीं कर पाएंगे और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग हाथ मतलब मैं हाथ पर कौन से पर बनवाऊँ और क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है। तो ऐसा ही है, और अगर आपको मेरी आवाज़ शुरू सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ माइंड मत करिए क्योंकि अगल बगल में फ़ोन चला रखे सब लोगों ने। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में और नहा धोने के बाद। तो मैंने ये कुर्ती ना यही वाली पहन लूँगी क्योंकि मैं ना कपड़े ज़्यादा लेकर यही वाली पहन लूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। और चाय वगैरह हो चुकी है मेरी और दीयू को भी नहला देती हूँ, दीयू भी तैयार हो जाएगी। चलिए बाय। अरे अभी ना एरा याला जाती हिला है, ये टूट जाएगा तो फिर मैं तकिए के नीचे रख दूंगी और परियों की दांत आएगी और वो मुझे पैसे दे के जाएगी और वो ना मुझे मेरा दांत से तारों में बदल लेगी और वो चमकने लगेगा मम्मी, है ना मम्मी। मेरी और दस आपको पता है ये हमारा पूरा घर और आज हमारी नानी बना दे और वो है मेरी चिप्स है मेरे फेवरेट। मैं और मैं नानी से कह दूंगी और चिप्स लाएंगे मैं ले जाऊंगी अपने घर और घर मेरे टेस्ट है मैम बताएंगी मम्मी को और मैं फिर मैं नानी फिर मैं तो उसको हम यहीं से जाएंगे और हम फिर नानी क्या आएंगे हम आएंगे वैसे है नहीं आए नानी क्या। तो गाइस देखिए मैं भी आई हूँ मार्केट से और मैं ये पर्स लेकर आई हूँ, मतलब दिया के स्कूल वगैरह जाना है तो उसके लिए। तो इसमें क्या ना एक हैंडल है, ये देखिए हैंडल और ये साइड इस तरह से टांगने वाला है, देखिए आप ऐसे टांग लो और इसमें पॉकेट है आप देख सकते हो, ये भी देखो एक ये पॉकेट है दूर से करना और एक ये है और ये तीन पॉकेट है और एक मतलब एक जिप वाली पॉकेट है, ये जिप है इसमें ठीक है। और ये देखिए कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए फ्रेंड फॉर एवर फ्रेंड, ये देखिए। और दो रिंग लेकर आई हूँ मैं, ये देखिए पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए डिज़ाइन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा
ये 20-20 रुपीज की है। ये देखिए प्यारी लग रही थी तो मैंने ले ली। वैसे मैं आर्टिफिशियल पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे को खुजली होती है, इसलिए मैं आर्टिफिशियल नहीं पहन पाती, तो मैंने ये मतलब कि ले ली है। ये क्या अच्छी लग रही है बताओ जल्दी कमेंट करके, अच्छी लग रही है। ये तो मेरी चांदी नहीं है बट ये वाली मेरी वैसी ही है, तो अच्छी लग रही थी तो ले ली है। देखिए सिल्वर की मतलब वो वैसी है, कितनी लग रही है डिजाइन। अगर ऐसी गोल्ड की बन जाए तो कितनी खुशी हो। ऐसी मेरे को मेरे मायके से गोल्ड की मिली थी 4, तो बहुत प्यारी थी वो भी, एक छल्ले वाली थी और एक वैसी थी, बट कोई नहीं वो हम नहीं पहन पाए तो कोई बात नहीं। ये देखिए कैसी लग रही है। चलो तो फाइनली गाइस मैं आ चुकी हूँ मार्केट से और मैंने आपको दिखाया कि मैं लेके आई हूँ 2 रिंग। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए रिंग और पर्स लेकर आई हूँ। तो मुझे कमेंट करके, अंधेरा आ रहा बहुत अच्छा यार, तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब पर्स ज़्यादा अच्छा लगा या फिर रिंग। वैसे तो दोनों ही अच्छी है अपनी अपनी जगह, क्योंकि रिंग की जगह पर्स नहीं ले सकता, पर्स की जगह रिंग नहीं ले सकती। बट आपको क्लियर बताऊँ तो मैं ना आर्टिफिशियल चीज़ पहन नहीं सकती, तो मैं ये कुछ ही दिन पहनूंगी फिर खुजली मचने लगेगी, तो मैं ये उतार के रखने वाली हूँ। मेरी फ्रेंड भी मिल गई थी मुझे वहाँ पर, तो वो बोल रही थी तो क्यों ले रही है, मैं कि चलो ले ले रही हूँ मन है, तो अपने हर वक्त अपना मन नहीं मारना चाहिए। और एक्चुअली मैं अभी दीयू के स्कूल से भी आया है मैसेज इवनिंग में, तो कल हमें दिया के स्कूल जाना पड़ेगा, PTM है यानी कि पेरेंट्स मीटिंग है, तो कल जाना पड़ेगा हमें मॉर्निंग में ही, तो जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि 8:30 बजे निकलना है। और मैंने अपनी जो फ्रेंड है एक और प्रीति उसके पास कॉल कर दी, बट वो गई है अभी घूमने के लिए MP, तो वो आज शाम तक आ जाएगी, वो निकल गई है वहाँ से, शाम तक यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद मॉर्निंग में वो भी जाएगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर। सो गाइस आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो मायके से आके शॉपिंग करी है वो कैसी लगी आप लोगों को, मुझे मेरा वॉलेट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ मैं वीडियो बहुत छोटी छोटी बनाती हूँ तो प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा, अगर आप लोग वॉच करोगे तो फिर मैं डेली वीडियो डाल पाऊँगी ना, नहीं तो मैंने 2 दिन लगातार वीडियो डाली बट व्यूज़ नहीं आए, लोगों ने पूरी नहीं देखी तो फिर मैंने डाली नहीं। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो डाल रही हूँ, आप लोगों से कनेक्ट रह पाऊँ और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। आप लोग बोलते हो दीदी डेली वीडियो डाला करो, इसलिए मैं वीडियो डाल रही हूँ। और यहाँ पर आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और देखिए सभी लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, और बस देखिए यहाँ पर दिशा और भाई और ये सब लोग बातें कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था। और फाइनली अब हम जाएंगे रात में घूमने के लिए, तो आप लोगों को दिखाऊंगी क्या लेकर आई। ये देखो मैं अंगूठी लेकर आई हूँ, ये देखिए ये वाली, और मेरी मम्मी अंगूठी लेके आई है, और इसकी बता रवायत गाड़े लाई है क्या, और मैं अरे यार दिख नहीं रही थी हूँ, आप दिखाओ ये लाई है, बात में चलना था ना चलना था क्या, और ये छल्ला और ये तो यहाँ पर देखिए दीयू को लेकर आई है दीयू किचन सेट, और जब भी वो जाती है तो हमेशा किचन सेट लेकर आती है, पहले भी गई थी तो किचन सेट लेकर आई थी, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया था पापा के साथ गई थी तो उसमें बहुत सारे कुकर वगैरह थे वाइट एंड ब्लैक कलर के, तब वो लेकर आई थी, और अभी ये लेकर आई है जो कि स्टील का है, और झूला वगैरह झूल के आए थे। तो मतलब आप लोगों को पता है कि बच्चों मतलब कभी भी कहीं भी थोड़ा बहुत भी घूमने जाओ तो 100-200 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं,
लेकिन अभी की वीडियो नहीं है, ये काफ़ी टाइम पहले की वीडियो है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैंने काफ़ी लेट वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैंने एक हफ्ते नहीं डाली थी, फिर अभी कल नहीं डाली। इस तरीके से वीडियो शूट कर ली है, बट फिर मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब डीमोटिवेट से हो जाते हैं, इसलिए नहीं डालती, और कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, दीव आप लोगों को दिखा रही है कि वो क्या क्या लेकर आई है। बहुत एक्साइटमेंट रहती है बच्चों को जब वो कुछ लेकर आते हैं। तो गुड इवनिंग, कैसे हो? तो देखिए इवनिंग का टाइम हो रहा है यहाँ पर, और मैं हूँ छत पर। तो यहाँ पर मम्मी ने अभी है ना पानी भरा है, और दीव गई है दूध ले नीचे, और छत पर आई थी वीडियो शूट करने के लिए। और मेरा सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर बहुत ज़्यादा भारी भारी सा हो रहा है, तो इसीलिए मन नहीं कर रहा कुछ भी शूट करने का, तो इसीलिए यहाँ पर। और ये वाली जो रिंग है मैं कल लेकर आई थी मेले से, अच्छी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं वाली ये, और ये छल्ला मैं पता आर्टिफिशियल पहन नहीं सकती, आपको क्लियर बता दूँ। तो ये जब तक मेरे को खुजली नहीं हो रही, यानी कि खुजली की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तब तक मैं पहन ले रही हूँ, फिर मैं उतार के रख दूँगी। तो तब तक के लिए मैंने आर्टिफिशियल पहन लिया, अच्छी लग रही थी डिज़ाइन तो देखिए, तब तक के लिए। और मैं चांदी की खरीदूंगी, मैंने अभी जब ये वाली रिंग्स खरीदी थी, तो मैंने वहाँ पर जो दुकान वाली भैया हैं, मैंने उन पर एक छल्ला देखा था, बहुत ही प्यारा छल्ला था, मैं आप लोग क्लियर करूँ, बहुत ज़्यादा चांदी का ही था, बट बहुत ज़्यादा प्यारा छल्ला था। तो मैं वो वाला छल्ला ज़रूर बाय करूँगी, पैसे इकट्ठे हो जाए वैसे ही, तो वो वाला छल्ला मैं वापस मतलब लेकर आऊँगी, बहुत प्यारा लग रहा था वो छल्ला, तो इसीलिए। और जो छल्ला था, और एक रिंग और लेकर आऊँगी, मैं आपको बता दूँ, वाइट मोती की लेकर आऊँगी यहाँ के लिए, वाइट ही मोती की लेकर आऊँगी। तो देखो, जब भी पैसे लेकर तो ज़रूर आनी, पैसे इकट्ठे हो जाए वैसे ही। तो ये वाली भी मेरे को ना 780 रुपीज़ की पड़ी थी ये दोनों रिंग, तो इसीलिए बट लेकर आऊँगी तो अच्छी वाली लेकर आऊँगी, थोड़ी भारी और कॉस्टली हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट भारी हो, थोड़ी सी भारी होनी चाहिए, क्योंकि हल्की वाली ले लो ना तो वो 4 दिन में टूट जाती हैं, तो फिर वो सही नहीं रहती, तो इसीलिए थोड़ी सी भारी लेकर आऊँगी, बट लेकर आऊँगी तो इसीलिए। चलिए फिर मैं आप लोगों से नीचे जाकर मिलती हूँ, मम्मी कुछ बना रही हैं, बट मेरा तबीयत सही नहीं है। और अभी पापा का फ़ोन आया था चिप्स बनाने के लिए, पापा कहते हैं मैं चिप्स के लिए आलू लेकर आ रहा हूँ, और मम्मी ने मैंने परसों ही चिप्स बनाए हैं कई सारे, बट मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, चिप्स तो मैंने बहुत सारे बनाए थे परसों ही, बट फिर पापा कह रहे हैं आज लेकर आ रहे हैं, बट आज मैं इसीलिए। तो यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगा चुकी हूँ, लिपस्टिक लगाई थी मैंने तो फैल गई है, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ, बोर हो गई, बोर तो नहीं हो रही खैर, लेकिन बट करने का मन नहीं कर रहा कुछ भी काम, सर दर्द कर रहा है। तो चलिए मैं नीचे जाती हूँ, और दीव भी नीचे जा चुकी है, दीव यहाँ पर इस वाले रूम में, पापा के रूम में काम बढ़ा कर गई है, पापा की सारी रजाई गद्दे सब फैला कर चली गई है, तो मैं वो सेट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।